सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा है बैंक निफ्टी का जो लेवल है, ठीक है। हम ऑफ मार्केट में आपको अपडेट देने वाले हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में आप इसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, सपोर्ट लेवल होगा, जो हमारा अलर्ट पॉइंट होगा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। अगर आपको भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी आता है टेक्निकल वगैरह, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको एवरी वीक जो है वो अपडेट देने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मार्केट में आते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करने आते हो मार्केट में, बैंक निफ्टी हो गया, ऑप्शंस में करते हो या आप इंडेक्स में करते हो, कहीं भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है, स्टॉक्स में करते हो, तो सबसे पहले आपको एक टेक्निकल आना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगर आपको ये आ गया ना तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। इजी वे में आपको बताने वाला हूँ, कोई भी झोल झाल नहीं है। ये पैटर्न बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सिंपली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल पे आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपने ग्रीन वाली जो लाइन है, ओके, ये वाली ग्रीन लाइन है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये सब रेजिस्टेंस लेवल है। और जो येलो वाली जो हमारी लाइन है वो हमारा अलर्ट पॉइंट है, ठीक है। अब हमें अलर्ट पॉइंट समझना है कि अलर्ट पॉइंट क्या होता है। एक्चुअली मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, फिर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताऊँगा किस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा अलर्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ से हमें ATM जो होगा हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा एट द मनी में, ओके। अगर यहीं से अगर मार्केट उठता है ना, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ओके। और ये जो अपना येलो वाला है वो हमारा अलर्ट पॉइंट है, यहाँ से हमारा जो मार्केट है अप या डाउन हो सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे से अगर ये ओपन होता है इस साइड में, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो ये वाला लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड में जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम पुट साइड में एंट्री लेंगे, ओके। अगर यहीं से सपोर्ट बना के ये उठता है, यहाँ से उठता है, अगर इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो हम यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे। बाइंग एंट्री बनाने के बाद में हमारा जो एसएल होगा, जो इस कैंडल का जो लो होगा, ठीक है, वो हमारा एसएल होगा, और जो टारगेट होगा वो हमारा ये लेवल होगा, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। सो बहुत ही ईजी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार यहाँ पे जस्ट होल्ड हो, अब मैं आपको बता देता हूँ मेजर करके। सपोज हमने यहाँ से एंट्री ली, ओके, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, तो हमें कम से कम यहाँ पे 200 पॉइंट्स का हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो इसे करते हैं डिलीट। अब हमने जो लेवल्स हमारे ड्रॉ किए हैं वो किस हिसाब से किए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना, जो पीछे का जो सपोर्ट है, देखो पीछे सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक किया या फिर रिटेस्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से वापस से मार्केट में एक रिजेक्शन आए, यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे पहले सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट देखो, यहाँ से सपोर्ट लेके उठा, अगेन उठा, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, फिर अगेन सपोर्ट मिला यहाँ पे, फिर यहाँ पे उठा रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, यहाँ से अगेन यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में अभी जो यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद में यहाँ से भी इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ही हम काम करने वाले हैं। सबसे इजी तरीका है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस हिसाब से काम करूँ, आप हमारा लेवल चेक कर लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हैं, सपोज यहाँ पे अगर आप एंट्री मिस कर देते हैं, सपोज यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री मिस कर देते हैं, तो अपने पास में एक ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये सपोर्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लॉन्ग की एंट्री लेंगे, मतलब ऑल साइड में यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। छोटा मोटा जो होगा हमारा प्रॉफिट लेके 100-150 पॉइंट का निकल जाएंगे यहाँ पे, 100-200 पॉइंट का, ओके। और हमेशा ध्यान रखना कि हमें ITM या ATM पे ही जाना है, OTM पे
ज़्यादा दूर की स्ट्राइकर्स मत लेना, ओ टीम पे जा सकते हो। अब तो 100-150 या 200 पॉइंट है, ओ टीम जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल है, आप इन लेवल्स को मार्क कर लेना, ओके। ये जो भी सपोर्ट या जो भी रेजिस्टेंस लेवल मैंने बनाया, ठीक है, आप एक बार देख लो। मैं आपको वन डे का जो चार्ट है वो ओपन कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। ये जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से लेवल्स हैं, ठीक है। ये वाला भी हमारे पास में एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से उठेगा मार्केट जो आप इस लेवल से, ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है, ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट उठेगा वापस। सपोर्ट बहुत मेजर सपोर्ट है ये वाला अपने पास में, ठीक है। सो अभी जो अब मैं आपको एक वन डे का जो चार्ट है इसमें आपको बता देता हूँ। जो वन डे हमारा चार्ट है इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है, हमें कट टू कट हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट वेट, ओके। सो मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आप देखिए, यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिल रहा है, ये जो आपको एक यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये कौन सा पैटर्न हमें फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा भी, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं, जस्ट वेट। ये देखिए यहाँ से उठा, यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ से उठा, यहाँ पर गिरा, ठीक है, यहाँ से उठा फिर यहाँ पर गिरा। अब अपने पास में क्या है, एक ये लेवल आ गया, ये देखिए ये बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी क्या मिलती है, मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये वाला इसका जो सपोर्ट है, ठीक है, जो अपना अभी करंट प्राइस चल रहा है, जो अपना एट द मनी है, जो हमारे जो अलर्ट जोन है वो ये वाला है, ओके, ये हमारा अलर्ट जोन है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वापस आप देख लीजिए, ये हमारा अलर्ट जोन है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो दो कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पे बियरिश जो मार्केट है, सेलर्स बहुत भारी पड़ रहे हैं अभी, ओके। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एक डाउन साइड में जाने का, यहाँ से छोटा मोटा रिटेस्ट ले सकता है, बट अगेन हम मानते हैं ये वाला जो लेवल है ये, फिर उसके बाद में ये दोनों लेवल्स हमें अच्छा खासा सपोर्ट देने वाले हैं, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। सो प्लीज़ अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस लेवल का वन डे का जो चार्ट है हमारा। इसके अलावा आप कोई भी अगर आपको डाउट आता है या कुछ भी आपको सवाल पूछने हैं, ठीक है, ये मैंने छोटा मोटा एक आपको इजी वे में आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी लगता है कि मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और देखिए हम मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। ये हमने लेवल्स दिए आपको आउट ऑफ द मनी, मतलब जो मार्केट है ना, मार्केट से बाहर, अभी लाइव मार्केट नहीं है, ठीक है। लाइव मार्केट में आप इनका एक्शन ले सकते हो, ठीक है, एक्शन का आपको रिएक्शन भी मिलेगा, एक्शन का आपको रिएक्शन भी मिलेगा। लेकिन देखो जब तक आप लाइव मार्केट में नहीं आओगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, ये मार्केट आपको पैसा देने वाला है, दोनों तरफ पैसा देगा आपको, ठीक है। कट टू कट मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है, ये वाला अपना एक लेवल आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं आपको, चलो एक स्क्रीनशॉट और ले लेना, यहाँ से मैं आपको एक मार्किंग करके बता देता हूँ, ये लेवल हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और सेकंड लेवल हो गया हमारा, जस्ट वेट, और ये हम ले लेते अपना लेवल, ओके। फर्स्ट हो गया हमारा ये वाला लेवल, अगर ये अप होता है यहाँ पे अपना हो गया, ठीक है। और नीचे से अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो अपना हो गया सेकेंड लेवल ये वाला, ओके। बस इन चीज़ को आप मार्क कर लो, ये हमें दोनों साइड में प्रॉफिट देगा, दोनों साइड में हम पैसा कमाने वाले इस मार्केट से, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमसे जुड़ो। बैंक निफ्टी में बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन आप जो गलतियाँ कर रहे हो ना उन गलतियों को मत करो। क्या गलतियाँ करते हो आप, बीच में मार्केट जैसे आपको दिखता है कि नीचे जा रहा है तो आप एंट्री ले लेते हो, ठीक है, पुट साइड में, ऊपर जाता है तो आप कॉल साइड ले लेते हो, लेकिन बीच में कभी भी मत घुसना जब तक एक कट टू कट हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, ठीक है। मार्केट जाने दो, कितना जाएगा जाने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपना
परफेक्ट एंट्री लेके ही निकलना है मार्केट से। मार्केट से जैसे हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है इस लेवल पे, ये वाला एक लेवल हो गया हमारा, ठीक है, अगेन ये वाला लेवल हो गया। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करते हैं। अब मैं आपको एक पीछे का जो है ना इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो कितना हमारा बेस्ट तरीके से काम करता है। अब देखो ठीक है, हम इनको हटा देते हैं, ये देखो हटा दिए। अब मार्केट में अब देखिए किस तरह से हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो काम करता है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हमें एक सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ से मिला, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठा और जो हमने पहले जो ड्रॉप कर रखा था, पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था बैक साइड में यहाँ पे, ठीक है, यहीं इसने इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद में वापस नीचे आने की कोशिश की, रीटेस्ट किया, अगेन यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ। अब बुलिश होने के बाद में आप देख सकते हैं, देखिए कितना बुलिश हुआ था मार्केट, अगेन आप लेवल देख सकते हैं, अभी लेवल है, ठीक है, ये वाला भी एक लेवल बनता है, लेकिन हम आपको सिर्फ इंट्राडे बता रहे हैं। इस वीक का जो रहेगा, आज जो डेट है आपको, आज की जो तारीख है वो बता देता हूँ मैं, आज है 13 अगस्त, ठीक है, संडे, और कल का जो मार्केट होगा वो क्या कहाँ पे जाने वाला है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। हमारा काम ही है, हम क्या करते हैं मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं, लाइव मार्केट में थोड़ी एनालाइज करेंगे, मार्केट को पहले से रीड करना पड़ेगा, उस पर स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम ना मार्केट में कुछ एनालाइज करके फिर वहाँ पर एंट्री लेते हैं। अगर आप लाइव मार्केट का सोच रहे हो कि जैसे लाइव मार्केट में हम आपको एनालाइज करके दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रेडर होता है ना वो क्या करता है कि पहले से मार्केट को एनालाइज करता है कि कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, कहाँ पे ट्रैप से बच सकते हैं, कहाँ पे फेक आउट आ सकता है, फेक ब्रेकआउट कहाँ पे मिल सकता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम पहले से एनालाइज करते हैं मार्केट में, ओके। और लाइव जो ट्रैप होता है उसके लिए हमें क्या होता है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट होता है, वो भी एक सीखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो आप इस वीडियो में पूरा जो क्लियर कर पाऊंगा, एक वीडियो में पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा प्राइस एक्शन पर वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो मार्केट में जो FI and DI जो होता है, ठीक है, वो किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वो किस तरह से डाटा जो है मार्केट में कलेक्ट होता है, किस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और सिर्फ एक झलक दिखा देता हूँ, कॉल वर्सेस पुट का जो अपना ओपन इंटरेस्ट डाटा है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट वेट, ओके। अब आप देखिए ये जो अपने पास में डाटा है, ठीक है, ये डाटा किस तरह से काम करता है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, मार्केट किस ओर जाने वाला है वो हम पहले से ही मार्केट एनालाइज कर लेते हैं इस हिसाब से। तो अगर इस जो डाटा आप चाहते हो, कॉल वर्सेस पुट रेशियो आप देखना चाहते हो, इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको इजी वे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में आपको मैं इजीली आपको समझा दूंगा, ओके। तो ये स्ट्रेटजी है, ये सुपर डुपर स्ट्रेटजी है, ठीक है, और हमारा जो सपोर्ट लेवल जो हमने आपको बना के दिखाया, ये वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो भी कैसे काम करता है, बिल्कुल आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा मार्केट में। तो सब चीज़ें मैं एक साथ क्लियर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो मार्केट से रिगार्डिंग। हम जो भी अपडेट होगा, अगर मार्केट लाइव मार्केट में कोई हमें अपडेट मिलेगा तो हम आपको अपडेट देंगे। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत बस आपका एक लाइक और आपका वो सपोर्ट चाहिए हमें। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इजीली हमारा जो लेवल है वो समझ सके किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, किस तरह से मार्केट में हम एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम करता है, ये देखिए बहुत बहुत ही मतलब इजी तरीका है। मैं यहाँ पे देखिए ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये होता है ट्रैप, इस ट्रैप से हमें कैसे बचना है वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ओके। सो बने रहिएगा हमारी वीडियो में, वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो लंबी हो गई है तो अभी फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, धन्यवाद।